यहाँ पे रेसिपीज, ओहो उसकी जो होती है बल्ले बल्ले ना, वो आता है बड़ा मजा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ गुड है। ये है शकरकंद, आहा होती इतनी बढ़िया है, ये पूछिए मत, पूरे नॉर्थ में सभी लोग खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सभी लोग खाएं, भाई नॉर्थ वाले क्यों खाएं, तो इसलिए मैं इसके साथ बना रहा हूँ लड्डू, बड़े सिंपल। तो क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, तो ये क्या करना है मुझे, यहाँ पे इस शकरकंद को मैंने उबाल के छील के ग्रेट कर लिया, मतलब ग्रेट करने के बाद ये बिल्कुल देखिए आहा बहुत ही मजेदार, पूछिए मत, मजा आ गया जी। और फटाफट इसका काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे ये वाली रेसिपी। एक चम्मच घी, इसके साथ साथ कई सारे यहाँ पे पिस्ता बादाम मुझे सब कुछ मिले हैं, मैं सब कुछ डाल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये एक चम्मच बड़ा वाला कटा हुआ काजू डाल लेता हूँ, साथ ही साथ आमंड्स वो भी कटे हुए, इसके साथ साथ पिस्ता, ये लीजिए, इन सभी को हल्का सा सौते कर लेते हैं, तब भून लेते हैं पहले घी में, जब हल्के से भून जाए इसमें ये खोया ये डाल दिया, एक कप ग्रेटेड खोया, शुगर फ्री बिल्कुल लड्डू बन रहे हैं, सभी लोग खा सकते हैं। ये मैंने शकरकंदी, जो तीन शकरकंदी बॉईल की थी उनको यहाँ डाल लिया, और ये बड़े प्रेम से इन सभी चीजों के साथ मिला लेता हूँ, ये लीजिए क्या बात, इसे कर लेता हूँ बंद, और ये जो बोल है इसमें आहा ये लीजिए, और ये बस। अब करना क्या जी, पहले तो लड्डू बना रहा हूँ, साथ ही साथ मुंह में पानी आ रहा है, मतलब गारंटी है कि रेसिपी जो स्वादिष्ट है, मतलब बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। अब इस तरह से लड्डू बनाए आए मजे लें, मैं भी ले रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, और आप पीछे मत रहिए, आप भी एक काम करिए, आप देखें इसका रिकैप, इंग्रेडिएंट्स भी नोट करें। शकरकंद के लड्डू, सामग्री तीन शकरकंद उबले छीले और मसले हुए, एक बड़ा चम्मच घी, एक बड़ा चम्मच काजू कटे हुए, एक बड़ा चम्मच बादाम कटे हुए, एक बड़ा चम्मच पिस्ते कटे हुए, एक कप खोया। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में घी गरम कर लीजिए, अब इसमें काजू बादाम पिस्ते डालकर हल्का सा भून लीजिए, अब इसमें खोया डालकर भून लीजिए, शक्करकंद डालकर मिला लीजिए, अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए, लड्डू बनाकर सर्व कीजिए।